जय श्री कृष्णा दोस्तों, बियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको भूम प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि मंगलवार पढ़ने से यह भूम प्रदोष बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शंकर का रुद्र रूप माना जाता है और इस दिन दोनों को ही प्रसन्न करने से शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। अगर मंगल से संबंधित ग्रह दोष चल रहे तो वो भी शांत होते हैं। जितने भी हमारे ग्रह दोष होते हैं, अगर इस दिन हनुमान जी के आगे उपाय किया जाए तो निश्चित ही वो दूर होते हैं। साथ ही भगवान शंकर का पूजन करने से संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, जो भी आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों भूम प्रदोष व्रत रोग दोष से मुक्ति देता है और साथ ही अगर कर्जा हो रहा है तो कर्जों से भी मुक्ति मिलती है। तो इस भूम प्रदोष व्रत का बहुत ही शेष सहयोग बन भूम प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और शुक्र सभी भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। हमारे जितने भी लग्जरी के सुख होते हैं वो शुक्र देव के कारण प्राप्त होते हैं। तो इस दिन शुक्र देव का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ सहयोग बन रहा है। दोस्तों इस दिन आपको भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए और भगवान शंकर के पूजन के साथ हनुमान जी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का पूजन करने से हमारे जीवन में जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो दूर होते हैं। अगर हमारे जीवन में आर्थिक तंगी चल रही है, पैसों से लेकर कोई दिक्कत चल रही है, तो वो भी दूर होती है। दोस्तों आज हम ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको करने से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी और साथ ही जितने भी ग्रह दोष हैं वो भी दूर होते हैं और कर्जों से मुक्ति अवश्य मिलती है। दोस्तों उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर ले, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भूम प्रदोष व्रत का श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शंकर का रुद्र रूप माना जाता है और हनुमान जी की माता अंजना ने प्रदोष व्रत किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें अपना ही रूप यानी हनुमान जी पुत्र के रूप में वरदान में दिया था। इसीलिए इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है और संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो उपाय अवश्य ही किया करें और प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों अगर सुबह आप पूजा करते हैं तब भी आपको संध्या के समय यानी प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना चाहिए। उन्हें पंचामृत से या शुद्ध जल से स्नान अवश्य कराएं और शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। शिव परिवार का पूजन करने से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। दोस्तों भूम प्रदोष व्रत में आपको लाल रंग के फूल अवश्य भगवान शंकर पर अर्पित करने चाहिए। शिवलिंग पर अगर आप एक गुड़हल का फूल या फिर 13 की संख्या में अगर आप लाल रंग के कोई से भी फूल अर्पित करते हैं तो निश्चित ही जो आपकी मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों साथ ही इस दिन आपको देखिए आटे के चूरमे का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि चूरमा का भोग लगाया जाता है प्रदोष में, प्रदोष व्रत में, और हनुमान जी को भी सबसे अधिक प्रिय चूरमा माना जाता है। तो आपको भगवान शंकर को और हनुमान जी को चूरमे का भोग अवश्य ही लगाना है। दोस्तों अगर देखिए जिन भी स्त्रियों के गर्भपात होता है, मिसकैरेज होता है या संतान की प्राप्ति में दिक्कत आती है तो उसका कारक देखिए मंगल माना जाता है और हनुमान जी का व्रत है तो श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और साथ ही इस दिन आपको देखिए हनुमान जी पर भी दीपक जलाना है, हनुमान जी की भी पूजा करनी है और उनको भी लाल फूल और लाल फल अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में जितने भी ग्रह दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं और साथ ही आपको दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। दोस्तों इस उपाय को अगर आप घर में कर रहे हैं तो आप जो वस्तु चढ़ाएंगे वो किसी भी गरीब को दान कर दें लाल वस्तु, क्योंकि लाल वस्तु का दान करने से एक तो ग्रह दोष दूर होते हैं, साथ ही जो संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही होती है तो वो भी दूर होते हैं और कर्जे से मुक्ति मिलती है। इसलिए आप लाल फल का या लाल वस्तु अवश्य ही हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। आपको हनुमान जी के आगे एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, अगर हो सके तो उसमें दो लौंग अवश्य डालनी चाहिए। दोस्तों लौंग इसलिए डाली जाती है जब हम विशेष पूजा करते हैं या विशेष कोई मन्नत होती है तो उसके लिए दो लौंग डालते हैं तो उसका प्रभाव अधिक रहता है। इसीलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी पर दीपक जलाएं और लाल फल या लाल वस्तु का आप हनुमान जी पर चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो हनुमान जी के आगे चढ़े रहने दें, अगर घर में कर रहे हैं तो किसी भी गरीब को उस दिन दान अवश्य ही कर दें। दोस्तों इस तरह से आपको हनुमान जी का पूजन अवश्य ही करना है, क्योंकि हनुमान जी भी शंकर का ही रुद्र रूप माना जाता है, इसीलिए आपको दोनों का पूजन अवश्य करना है। और भोग में आपको देखिए चूरमा अवश्य लगाना है भगवान शंकर पर भी और हनुमान जी पर भी।
दोस्तों प्रसाद स्वरूप जो भी वहां पर हो तो उनमें भी अवश्य ही बांटें, पूरे परिवार में इस प्रसाद को अवश्य ही बांटें और स्वयं भी अवश्य ग्रहण करें। दोस्तों इस तरह से अगर आप भूम प्रदोष व्रत में भगवान शंकर का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें अवश्य ही दूर होती हैं। दोस्तों इस दिन आपको लाल फूल अवश्य ही हनुमान जी पर और भगवान शंकर पर अर्पित करना है। दोस्तों इस तरह से अगर आप हनुमान जी का और शंकर भगवान का पूजन करते हैं तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों देखिए गुरु बृहस्पति भी 20 जून से अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब शुक्रदेव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। अगर इस शुभ संयोग में उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको शीघ्र संतान प्राप्ति होगी और संतान प्राप्ति में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। दोस्तों इस दिन इस उपाय को अवश्य करें और आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक अवश्य करें। आप सभी को